हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा नवल डक यार्ड मुंबई अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म 301 पोस्ट के लिए 25 अप्रैल 11:28 पीएम पे जो है स्टार्ट हुआ है था। और आप देख सकते हैं कि जो भी आईटीआई और नॉन आईटीआई कैंडिडेट थे, सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते थे। यहाँ पर सभी अप्लीकेशन फ़ीस 0 थे। इस फॉर्म को बताया गया है कि 10/5/2024 को लास्ट है। इस फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाएगा और यहाँ पर बताया एग्जाम डेट भी मई और जून 2024 बताया गया है। तो आप इस फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हैं आईटीआई वाले और विदाउट आईटीआई दोनों छात्रों के लिए किस तरीके से फिल किया जाएगा, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है, एक साल का आपका यहाँ पर है, टोटल वैकेंसी कितनी कितनी आपकी दी गई है, सारी नीचे दी गई है। इस जिससे कि आपको इस पेज का लिंक दे देंगे, साथ नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और आप यहाँ से फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा यहाँ ऑनलाइन का नवल डक यार्ड का। तो आप यहाँ पे वेट कर लेंगे, इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नवल डक यार्ड का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बताया गया है। कैंडिडेट आपको यहाँ पर जो भी कैंडिडेट मेंशन करेगा मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट का जो भी नाम होगा वो फिल करेंगे। फिर इसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से यहाँ मेंशन कर लेना है। आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको कैलेंडर से यहाँ मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करके एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से मेंशन की जाएगी। तो यहाँ पर चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एज अप्रूव क्लिप लिया है, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, फिर उसके बाद ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करते हो दोस्तों, उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे दोनों सेम आपका एक ओटीपी आता है। ओटीपी डाल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है, वहाँ पे मैसेज होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं सक्सेसफुली, यहाँ पर आप दिखा तो दिया है लेकिन उनके मेल आईडी और मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन जो है और उसके बाद पासवर्ड नहीं प्राप्त हुआ। तो आपको क्या करना है, आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके 6 अंक का ओटीपी डाल लेंगे तो सक्सेसफुल यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको इसको कैंसिल पर क्लिक करना है। जैसे कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए और जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर चाहिए। तो लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड है, आपको वेट कर लेना है। आपका लगभग इसमें टाइम लग रहा है दोस्तों, लगभग आपका 10 से 15 घंटा टाइम लग रहा है। उसके बाद ही आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड की जा रही है। तो आपको वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन जब आपको प्राप्त हो जाएगा लॉगिन आईडी और यहाँ पासवर्ड और जो कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे आपका नाम शो होगा और यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल आपकी बताई जा रही है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा। फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखना है। फिर उसके बाद आधार नंबर डालना है। बॉडी में कोई एक मार्क आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर नहीं है तो नॉट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी का चयन कर लेना है। नेशनलिटी आपकी इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है पीडब्ल्यूबीडी की कैंडिडेट है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर कैंडिडेट करेंटली अंडर गोइंग टू अंडर वन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने कर रखा है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वेदर कैंडिडेट वार्ड आर्मी ऑफिसर पर्सनल, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपको यहाँ पे विलेज आपको मेंशन करना है, जो भी आपका विलेज है विलेज आप लिख देंगे। फिर इसमें पोस्ट आप मेंशन कर लेंगे, जो भी आपका पोस्ट नेम होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको थाना मेंशन कर सकते हैं, तो चलिए हम पीएस मेंशन कर लेंगे थाना। फिर इसके बाद यहाँ पे सिटी कोड मेंशन करेंगे, जो भी आपका एरिया का सिटी होगा आप सिटी मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद स्टेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर लेंगे। फिर एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एरिया पिन कोड मेंशन करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट है परमानेंट दोनों सेम है,
तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाटा आपका फेच कर लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर आप यस करेंगे तो आपका डाटा फेच कर लेगा, नो करेंगे तो आपको डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही डाटा सेव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पर्सनल डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ओके पे क्लिक करना है, फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके का अगेन डैशबोर्ड शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चयन करना है, जो कि एलिजिबिलिटी आपकी क्वालिफिकेशन होगी या 10 स्टैंडर्ड है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, फिर उसके बाद पासिंग नेम लिखना है, फिर ऑप्टेन मार्क लिखना है, टोटल मार्क लिखना है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी इस जबकि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा वह आपका शो होगा। उसके बाद इस पर सेलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड की बात की गई है। डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर बताया गया है पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर विदाउट एनी में होना चाहिए और पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और यहाँ पर बताया गया 80% आपका फेस फ़ोटो में इंक्लूड होना चाहिए। फ़ोटो की जो साइज होगी वो 50 से 300 KB के बीच आपका अपलोड होगा, फ़ोटो अपलोड होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है कि फ़ोटो जो आपका होना चाहिए 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पर यह भी नहीं बताया कि फ़ोटो एंड साइन आपका यहाँ पे मेंशन फ़ोटो पे डेट मेंशन होगा या नहीं, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेना है। और याद रखिएगा 6 महीने से ज़्यादा आपका ना हो। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको साइन अपलोड कर लेंगे। साइन की भी कैटेगरी 50 से 100 KB के बीच रखी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि जो साइन प्लेन वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपका होना चाहिए। और आपको यहाँ बताया गया है कि जो भी सिग्नेचर आपकी की जाएगी और डिजिटलाइजेशन की जाएगी आपको पेपर और पेन के साथ, अगर आपको क्लिक करना पड़ा तो वहाँ पर आप जो है दोबारा से वेरीफाई की जाएगी। तो यहाँ पर फ़ोटो साइन अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे अपलोड ब्राउज पे क्लिक करेंगे आप फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे अपलोड पे क्लिक कर देंगे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से साइन को भी यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आप रखे साइन, साइन पिक कर लेंगे, अपलोड साइन अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड साइन भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात की गई है, डॉक्यूमेंट की बात की गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया SSC की मार्कशीट आपको अपलोड करना है। SSC की जो मार्कशीट अपलोड करेंगे यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं आप, रिक्वायर PDF फाइल में सभी जो फाइल अपलोड होगी यहाँ पे SSC की मार्कशीट हो गया। फिर इसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट PWBD का है तो आप दे सकते हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड आर्मी फोर्स के हैं तो दे सकते हैं। आधार कार्ड की फाइल दोनों साइड के आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करना है 400 PDF में। पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपको सही है, तो यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं।